कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल लर्न fill in the missing digits in addition and in subtraction. Okay? First we take addition. Addition के सम में अगर missing number answer में होता है वो तो simple ही होता है, और अगर वो कोई भी digit बीच की missing addends जो होते हैं तो उसमें अगर missing होता है तो हम answer में से जो एक given number है उसको minus कर देते हैं. Okay? तो अब आंसर में हमारा जीरो है और गिवन नंबर है एट, तो क्या होगा इसका मतलब? हमारा आंसर में इस नंबर से स्मॉलर नंबर है तो हम क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये टेंस में है इसमें, तो ये जो जीरो जो है वो वंस का नंबर है और इसका वन जो है वो कैरी है, तो इट मीन्स हम टेन में से एट माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा टू। ओके, अब हमारा इसमें आंसर दे रहे हैं नाइन। अब नाइन में वन जो है वो हमारा कैरी है, आंसर में है नाइन, तो नाइन में से हम वन जो कैरी ओवर हमारा वन आ गया था, वन और प्लस वन जो गिवन नंबर है उनको हमने ऐड कर लिया, वन प्लस वन टू हो गया। ओके, अब नाइन में से हम टू माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा आया सेवन। अब क्या करेंगे हम, यहां जो हमारा आंसर में है वन, इट मीन्स वो वंस का नंबर है, हमारे इस टू से छोटा नंबर है तो वो छोटा तो आ ही नहीं सकता, कोई भी नंबर उसमें एक और ऐड करेंगे तो इट मीन्स वो वंस का नंबर है, वो नंबर है वन और वन इलेवन, तो वन जो है वो कैरी ओवर में हम कर देंगे, ये नंबर हमारा बन गया इलेवन। इलेवन में से हमने टू माइनस किया है तो यहां पर आपका आएगा नाइन। ओके, अब जब इसमें अब नेक्स्ट हमारा आंसर में दिया हुआ है नंबर नाइन, अब हमारा वन कैरी है, वन प्लस सिक्स जो गिवन नंबर सिक्स है इसमें, तो वन प्लस सिक्स हो गया सेवन, तो हमें क्या करना है, नाइन में से क्या माइनस करना है, सेवन माइनस करना है, नाइन में से सेवन माइनस किया तो आंसर आया टू। यहां पर हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। ओके, इसमें तो सिंपल दिया ही हुआ है नाइन, सिक्स प्लस टू एट, और यहां पर आंसर दिया गया है नाइन, तो नाइन में से फाइव माइनस करेंगे यहां पर आ जाएगा फोर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिया। नेक्स्ट वी टेक द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके, अब सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऊपर का जो नंबर होता है जिसमें से ग्रेटर नंबर जिसमें से माइनस किया जाता है उसको बोलते हैं माइन्यून, और जो स्मॉलर नंबर होता है इसको बोलते हैं सबट्रहेंड, और आंसर जो होता है वो डिफरेंस होता है। अगर हमारा ऊपर वाला नंबर मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, माइन्यूट को और डिफरेंस को प्लस कर लेंगे। ओके, तो नाइन और वन टेन, टेन की तो जीरो आया और कैरी क्या आया, वन। ओके, अब हमें ऊपर वाला नंबर देना है तो नाइन ये नंबर और जो ऊपर हमारा कैरी आया, नाइन और वन टेन हो गया, तो 10 की या 0 ही आ रहा है, 10 की 0 और कैरी फिर लगा 1। ओके, अब हम नेक्स्ट हमें क्या करना है, 1 और जो ये नीचे आंसर दिया हुआ 1 को प्लस करना है, 2 आया, 2 अब ऊपर का नंबर मिसिंग है तो 8 और 2 क्या हो गया 10, तो 10 की 0 कैरी लग गया 1। अब हमें ये 1 और ये आंसर वाला 1 जो है 1 प्लस 1 2 हुआ, तो अब 7 में से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है, तो सेवन में से टू माइनस किया तो आया आंसर फाइव। ओके, अब ऊपर का नंबर मिसिंग है तो इसको इसको को क्या करना है, हमें माइन्यूट सॉरी सबट्रहेंड को और डिफरेंस को प्लस करना है, एट और प्लस टू टेन, टेन की जीरो कैरी आया वन। ओके, तो अब एट और वन क्या हुआ हमारा नाइन, तो नाइन में से नाइन माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा जीरो। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक यू।